हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 12th के मैथ्स के कुछ वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की नज़र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और उनकी भी तैयारी हो सके। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। आपका बोल रहा है कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स, यानी साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है आपको। तो ये फॉर्मूला है आपका, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस एक्स होता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कॉस एक्स। अगर ये डिफ्रेंशिएशन आपका पूछता कॉस एक्स का तो क्या होता, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका माइनस साइन एक्स। ये फॉर्मूला है, सब आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, और एक बताते हैं टेन एक्स का क्या होता है। टेन एक्स का होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो इसी में अगर कहीं कोई लगा दे आपका कांस्टेंट, जैसे बीच में कोई भी कांस्टेंट लगा दिया, एक ही जगह पे दो तीन चार पाँच कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, तो आपका इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी नंबर होगा वो आगे ए सेक स्क्वायर और यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो ए एक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टू। यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ए बी डैश होगा, क्या होगा। तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी डैश। ठीक है, दो स्वतंत्र घटनाएं जब होंगी। क्वेश्चन नंबर थ्री, वन डी एक्स, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक्स प्लस के कोई कंस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू का मुख्य मान है। तो कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू का मुख्य मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा ये, इसको हम मान लेते हैं कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू को थीटा मानते हैं। तो ये आपका जब कॉस इनवर्स इधर जाएगा इक्वल के उधर, तो क्या बन जाएगा ये, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई टू बन जाएगा। और कॉस थीटा का मान माइनस वन बाई टू जब होता है तो ये होता है आपका 120 डिग्री। तो ये आपका डिग्री में आया, लेकिन यहाँ पे सब रेडियन में दिया हुआ है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम गुना करते हैं पाई बाई 180 से। किसको करना है, तो 120 को रेडियन में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे, कैंसिल हो गया जीरो से जीरो, ये 6 × 12 और 6 × 3 = 18, तो ये आपका हो गया 2π/3। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2π/3। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्या कह रहा है, ये ए की वैल्यू बी की वैल्यू दी गई है आपको और करना है आपको 2a + 3b, ये 3b है। ठीक है, तो 3b करना है, तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल जो भी यहाँ पे ये वैल्यू है इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा 12, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये 10 बन जाएगा और ये -8 बन जाएगा। ठीक है, और बी वाले में 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 24 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 6 × 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको कर देना है आपको ऐड, तो 12 को 24 में जब ऐड करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, 6 को 21 में ऐड करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, 10 को 15 में ऐड करेंगे 25 हो जाएगा और -8 को +18 में जब ऐड करेंगे तो ये घट के 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है ये आपका, 36, 27, 25 और 10, तो ऑप्शन सी सही है, तो ये हो जाएगा आपका। इस तरह का दोस्तों सवाल एक एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, वो आपके यहाँ पे प्लस की जगह माइनस दे देगा या सिर्फ ए प्लस बी कर देगा। ठीक है, कुछ भी, तो इस तरह का सवाल आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, फिर डिफ्रेंशिएशन आ गया आपका डी बाई डी एक्स ई रेस टू 3x। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो पावर में कांस्टेंट होता है वो आगे आ जाएगा और फिर जो भी है इस पे इसका पावर आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3e^3x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन, ये भी डिफ्रेंशिएशन है, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -cosec². ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर एट, कह रहा है कि 19i वेक्टर 5j वेक्टर -6k वेक्टर का मापांक है, क्या होगा मापांक। तो कैसे निकालते हैं, मापांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
सिंपल रूट अंडर जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर हो जाएगा 19 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये होगा जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 361 प्लस 25 और माइनस का स्क्वायर जब करेंगे तो ये प्लस ही हो जाएगा तो प्लस 36। तो ये टोटल करने पे आपका आएगा रूट अंडर 422। तो देखिए 422 है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये इसका आपका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा इसका, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइनस टू कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि ए इक्वल टू इतना तो ए डैश बताइए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ए डैश बताना है। इसमें क्या होता है आपका जो हॉरिजॉन्टल होता है वो वर्टिकल बन जाएगा, जो भी इसमें हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला पहले आ जाएगा और नीचे वाला बाद में आ जाएगा। तो देखिए क्या है, कौन सा है ये, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है ये, 1 2 3 4 5 6। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर एक तलीय होंगे यदि, कब एक तलीय होंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है इक्वल टू जीरो। तो ये होगा आपका एक तलीय। देखिए यहाँ भी आपका ये यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है, तो डॉट वाला आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एक सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 है तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए बहुत ही इजी सवाल है। देखिए आपको पता है कि पी ई प्लस पी ई बार इक्वल टू होता है 1। ये क्या होता है, ये होता है कोई भी चीज़ होने की प्रायिकता और ये होता है नहीं होने की प्रायिकता। तो कोई भी चीज़ होने और नहीं होने का टोटल मिला के आपका क्या आएगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे आपको दिया है हेड आने की प्रायिकता कितना है 1/2 प्लस हेड नहीं आने की प्रायिकता, यानी हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, तो टेल आने की ये प्रायिकता हो जाएगा। तो ये आपको निकालना है इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब पी ई बार निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये इधर आके -1/2 हो जाएगा, एक में से आधा माइनस कीजिएगा तो आधा ही बचेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कई बार ये पूछता है आपको परसेंटेज में पूछ देता है, तो कोई भी चीज़ कोई भी काम 100% में होता है तो आपसे सवाल कैसे पूछेगा कि कह देगा कि हेड आने की जो प्रायिकता है संभावना है वो 40% है, तो टेल आने की संभावना बताइए, टेल आने की संभावना बताइए। तो सिंपल है, वैसे ही आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 40% प्लस पी ई बार इक्वल टू 100%, वहाँ यहाँ पे 1 करके निकाले हैं और परसेंटेज में 100% करके निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पी ई इक्वल टू 100 माइनस 40 इक्वल टू 60%। ठीक है, 60%। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, वाई अक्ष के द्विकोज़िकाएं हैं, ये क्या होते हैं द्विकोज़िकाएं, डायरेक्शन कोसाइन जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तीनों का होता है, एक्स वाई और जेड तीनों अक्ष का होता है, तीनों एक्सिस का होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है वाई अक्ष का कितना होगा, तो वाई अक्ष का जो होता है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 010। एक्स का हो जाता है आपका 100, वाई का हो जाता है आपका 010 और जेड का हो जाता है आपका 001। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिए कि ये एग्ज़ाम में आ रहा है, तीनों में से कोई एक आ रहा है, आप इसको एकदम याद कर जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/4 क्या होगा। बहुत ही इजी सवाल है, टेन इनवर्स 1/2 टेन इनवर्स 1/4, तो आपके पास फॉर्मूला होता है इसका, टेन एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का क्या होता है, ये होता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
ये आपका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे एक्स आपका क्या है 1/2 है और वाई क्या है 1/4 है। जब इसको रख के ऐसे निकालिएगा ऊपर हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/4 और नीचे हो जाएगा 1 - 1/2 × 1/4। तो जब इसको निकालिएगा ना तो ये आपका सही आंसर आएगा, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, टेन इनवर्स 6/7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि यदि ये दिया हुआ है आपका एक्स फाइव एक्स जीरो हो तो एक्स की वैल्यू निकालिए। तो इससे आसान सवाल आपको क्या मिलेगा, इसमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 5 × 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -25। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -25, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर में 25, ये जब निकलेगा बाहर तो ये आपका हो जाएगा ±5। ठीक है, जब हम रूट निकालते हैं किसी चीज़ का तो ये प्लस माइनस दोनों में हम इसको कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, ±5। तो दोस्तों ये था आखिरी क्वेश्चन वीडियो का, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको आपके एग्ज़ाम का आंसर की यहाँ पे मिलने वाला है और सबसे सटीक मिलने वाला है। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम दे के आइएगा तो अपने क्वेश्चन को यहाँ पे मिला सकते हैं, उसका आंसर की आपको यहाँ पे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।